स्वागत है आप सभी को न्यूजीलैंड ओमेन्स वर्सेस साउथ अफ्रीका ओमेन्स का आज फाइनल मैच खेला जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन एंड पिच रिपोर्ट कवर करूंगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में गया था और न्यूजीलैंड ने पहला सेमीफाइनल वेस्ट इंडीज को हराकर आज फाइनल खेलेगा। तो इन दोनों के बीच में कैसा पिच रिपोर्ट रहेगा, किन खिलाड़ी को अपने गले लगी टीम में पिक करना है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, मैच आपका फाइनल मैचेस होने वाला है 20 अक्टूबर को शाम को 7:30 पर यह महामुकाबला स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसमें देखा जाए तो मेरे भाई ध्यान से देखेगा, अगर इसमें देखा जाए न्यूजीलैंड एंड उसके बाद साउथ अफ्रीका के बीच में देखा जाए तो इसमें कुछ T20 मैचेस खेला गया है। इसमें मैं आपको एक रिसेंट फॉर्म लेकर आया हूं जो आपको इससे पता चलेगा कि मुझे किन खिलाड़ी को अपने टीम में रखना चाहिए या बॉलर कितना विकेट निकाल कर लेकर जा रहा है। तो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग किया, 155 रन बनाया 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका में देखा जाए तो टॉमजिम ब्रिस्ट जो इसमें 45 रन का परफॉर्मेंस करती हैं, बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता है कि ये बॉलिंग भी कराती है। एक ओवर बॉलिंग कराया था पिछले मैचेस में और उसमें 1 विकेट निकाल कर दिलाई थी। अब इसमें बात करें तो सुनील लिविस जो पिछले मैच में 36 रन एंड उसके बाद एक्ने बोस 28 रन का, जो मैं पिछला रिसेंट फॉर्म बता रहा हूं। लेकिन न्यूजीलैंड में अगर देखा जाए तो इसमें ताहू 2 विकेट लिया था, 4 ओवर फुल बॉलिंग कराई थी, 20 रन दिया था। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो फेनफोर्ड इसमें 2 विकेट ली थी और 3 ओवर बॉलिंग कराया था। एमेलिया कैर इसमें 4 ओवर फुल बॉलिंग कराई थी और इसमें 1 विकेट निकालकर 27 रन भी दिया था। लेकिन अगर जब न्यूजीलैंड चेस करने आता है तो 148 रन ही बना पाता है, यानी न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से चेस नहीं कर पाता है 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर। लेकिन एमेलिया कैर इसमें 61 रन 47 बॉल पर एंड उसके बाद सुजी वेट्स इसमें 45 रन बनाती है एंड उसके बाद केट एंडरसन इसमें 11 रन बनाती है। लेकिन जब साउथ अफ्रीका बॉलिंग कराता है तो इसमें नेदेन डे क्लर्क इसमें 3 विकेट 4 ओवर फुल बॉलिंग कराती है एंड उसके बाद क्लास इसमें 3 विकेट लेकर 3 ओवर बॉलिंग कराती है 26 रन। एंड उसके बाद खाका की बात करें तो 1 विकेट 4 ओवर फुल बॉलिंग कराती है। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा बॉलर जो फुल ओवर बॉलिंग कराएगा, यानी 4 ओवर बॉलिंग कराएगा। यानी इस तरह से साउथ अफ्रीका ने 11 रन से इस महामुकाबला को विन कर जाता है। अब आपको ध्यान से देखेगा, अगर इसमें देखा जाए तो रिसेंट मैचेस में कैसा परफॉर्मेंस गया है? टीम की बात करें तो वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग किया, यानी मान लीजिए पहला सेमीफाइनल मैच खेला गया था जिसमें से 120 रन बनाए वेस्ट इंडीज ने 8 विकेट नुकसान पर और इसमें फास्टर को 7 विकेट। न्यूजीलैंड जब इसमें चेस करने आता है तो इसमें चेस कर जाता है 128 रन बनाकर, स्पिन गेंदबाज को इसमें 10 विकेट मिलता है। अगर अगला मैचेस देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ओमेन्स 134 रन बनाता है 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में, फास्टर को 3 विकेट। साउथ अफ्रीका ने 17 ही ओवर में इस महामुकाबला को चेस कर जाता है। यानी इससे आपको पता क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका हो सकता है कि आज का जो मैच होगा यानी फाइनल मैच साउथ अफ्रीका ही विन करने वाला है और साउथ अफ्रीका ने इस महामुकाबला को चेस कर जाता है। अगर तीसरा महामुकाबला देखा जाए तो साउथ अफ्रीका ओमेन्स 155 रन बनाता है 5 विकेट नुकसान पर 20 ओवर में, फास्टर को 5 विकेट मिलता है एंड न्यूजीलैंड इस महामुकाबला को चेस नहीं कर पाता है और स्पिन गेंदबाज को इसमें 8 विकेट मिलता है। इस बात को ध्यान से देखिएगा। अगर अगला देखा जाए तो आपको ध्यान से देखिएगा इसका पिच रिपोर्ट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो जो T20 मैचों की दुबई की जो पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद मानी जाती है, दिन के मैचों में पहली पारी बल्लेबाजी आसान होता है जबकि दूसरी पारी में पिच धीमी हो जाती है, खास करके रात मैचों में ओस के कारण गेंदबाजों को थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस बात को ध्यान से देखिए। अगर अगले नंबर के देखा जाए तो इसका बाउंड्री डिस्टेंस क्या हो सकता है, यानी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप थोड़ा बाउंड्री डिस्टेंस भी बता दिया करो कि कितना एरिया होने वाला है। तो सबसे पहले स्ट्रेट साइड में देखा जाए तो 65 मीटर, बट यहां पर कॉव कॉर्नर की बात करें तो 70 मीटर, लेकिन शॉर्ट में देखा जाए तो ये भी 70 एंड यहां पर लेग और आप में देखा जाए तो 60, लेकिन पीछे का बाउंड्री ज्यादा नहीं है, 60-65 मीटर का बाउंड्री है, यानी ज्यादा लंबा बाउंड्री नहीं है। इसमें अच्छे खासे आपको बल्लेबाज बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। अब आपको ध्यान से देखिएगा,
अगर दुबई का अगर टोटल मैचेस की बात करें T20 में, अगर इंटरनेशनल की बात करें तो टोटल मैचेस खेला गया 97 मैचेस खेला गया। पहले बैटिंग करने वाली टीम इसमें 45 बार विन कर चुकी है एंड पहले बॉलिंग करने वाली टीम 51 बार। एंड यहाँ पर फर्स्ट इनिंग का स्कोर 141, सेकेंड इनिंग का स्कोर 145 जाने वाला है, लेकिन हाईएस्ट टोटल की बात करें तो 212 पर गया है एंड लोवेस्ट टोटल की बात करें तो 55 पर 10 विकेट गया है एंड हाईएस्ट चेसेस की बात करें तो 184 रन पर इस स्टेडियम में चेस हो गया है, यानी ये वुमेन मेंस का रिकॉर्ड है। लेकिन लोवेस्ट डिपेंडेंट की बात करें तो 98 पर 5 विकेट गया। अब आपको यहां पर ध्यान से देखना है कि अगर दुबई का अगर 5 मैचों का विकेट देखा जाए तो जो टोटल विकेट गिरा हुआ है जिसमें से पेसर 15 विकेट एंड स्पिनर इसमें 31 विकेट निकाल के दिलाया है, यानी अगर T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो खिला रही है वो बॉलर ही सबसे स्पिन गेंद में इसमें सारे टीमों ने खिला रही है। अब आपको ध्यान से देखेगा अगर इसमें देखा जाए तो साउथ अफ्रीका का अपलिंग 11 क्या हो सकता है, तो पहले नंबर पर अगर इसमें देखा जाए तो ध्यान से देखेगा लौरा उल्डफील्ड जो कैप्टन काम करेंगे राइट हैंडेड बैट्समैन एंड उसके बाद टॉम ब्रेस्टो ये बॉलिंग भी कराती है एंड उसके बाद एनेक बोस जो पिछले मैच में 74 रन का परफॉर्मेंस की थी इस बात को ध्यान से देखेगा एंड उसके बाद कलर ट्रॉयन एंड उसके बाद मेरी जान कैप एंड उसके बाद सुन लुइस एंड नदीन डे क्लार्क एंड एडरसन एंड उसके बाद इसमें जब्ता हो सकती है विकेट कीपर में, बाकी आपको मलब्बा एंड उसके बाद खाका होंगे जो यह दोनों ही बॉलर 4-4 ओवर बॉलिंग कराती है जो आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। लेकिन बेंच प्लेयर की बात करें तो इसमें आप बेंच प्लेयर देख सकते हैं, आज इसमें कोई बेंच प्लेयर नहीं होगा, यही फाइनल प्लेइंग 11 होगा। अगर पावर प्ले की बात करें तो मेरी जान कैप एंड उसके बाद खाका एंड मलम्बा जो 6 ओवर्स पहले बॉलिंग कराती हुई नजर आएंगे, बीच में आपको करा सकती है। लेकिन डेथ बॉलिंग की बात करें तो नेदेन दे क्लर्क एंड उसके बाद ट्रॉयन एंड उसके बाद इसमें मलब्बा बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। अब आपको ध्यान से देखा अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो इसमें रिसेंट फॉर्म क्या हो सकता है, तो पहले नंबर पर देखा जाए तो लौरा उल्डफील्ड जो पिछले मैचेस में लगातार 2 मैचों में 40 और 42 रन का परफॉर्मेंस कर रही है। अगर इसमें तामजम ब्रिस्ट की बात करें तो इन्होंने 15 रन एंड उसके बाद 43 रन का परफॉर्मेंस किया है। एंड बॉस की बात करें जो पिछले मैच में 74 रन का गजब परफॉर्मेंस करके दिलाई थी। एंड सी ट्रॉयन की बात करें तो इसमें बॉलिंग भी कराएंगे और अच्छे खासे बैटिंग करके दिलाएंगे, यानी यह खिलाड़ी आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। बाकी मिर्जान कैप को ट्राई करके जा सकते हैं, हर एक मैच में कभी 4 विकेट है, कभी 43 रन, कभी 1 विकेट। बाकी आपको लुइस की बात करें पिछले मैचेस में 0 विकेट लिया था एंड उसके बाद नदन डेकर ये भी फ्लॉप गई थी, लेकिन 20 के मैच में इन्होंने 1-1 विकेट निकाला हुआ है। बाकी इसमें डेकरसन की बात करें तो एक मैच में इन्होंने 2 विकेट बाकी 1-0 और 1-0 निकाला हुआ है। और उसके बाद जब तक की बात करें तो ये बैटिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन कैच रोक कर आपको 20-30 पॉइंट दे सकती है, इस बात को इनको अपने टीम में लेकर जाना है। चाहे तो अगर न्यूजीलैंड में पहले विकेट कीपर आएगा तो इसको अपने टीम से ड्रॉप करना है। बाकी अगर मलब्बा खाका की बात करें तो गजब का बॉलिंग है, 1 विकेट 3 विकेट हर एक मैच में अच्छा फॉर्म रहता है, ट्राई करके जा सकते हैं। अब आपको ध्यान से देखिएगा अगर इसमें देखा जाए तो न्यूजीलैंड का प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, तो पहले नंबर पर अगर इसमें देखा जाए तो सुजी वेट छोड़ सकती है जो पिछले मैच में परफॉर्मेंस की थी एंड जॉर्जिया पॉलिमर एंड उसके बाद एमेलिया कैर राइट हैंडेड बैट्समैन और आपको स्पिन गेंदबाज बॉलिंग करते नजर आएंगे एंड सोफिया डिवाइन जो कैप्टन आएंगे एंड ब्रूक हॉलिडे एंड मेंडी ग्रीन विकेट कीपर में एंड उसके बाद गेस विकेट कीपर में, बाकी आपको रुसमेरी एंड मैर एंड उसके बाद ताऊ एंड इडर क्रसेन और फॉर्म जॉन्स हो सकती है जो इसमें बॉलिंग कराएंगे। बाकी आपको वेंस प्लेयर दिख रहा है, इसमें से कोई आने वाली नहीं है, बट यहाँ पर पावर प्ले की बात करें तो रुसमेरी मैरी एंड उसके बाद इडन क्रसेन एंड ताऊ जो आपको पावर प्ले से पहले बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। बाकी आपको डेथ ओवर मेलिया कर एंड उसके बाद मैर एंड फॉन जॉन्स हो सकती है जो इसमें अच्छे बॉलिंग करा के दिला सकती है। अब आपको ध्यान से देखिएगा अगर इसमें देखा जाए तो न्यूजीलैंड का रिसेंट फॉर्म क्या हो सकता है, तो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए पहले नंबर पर तो इसमें सुजी वेट्स की बात करें तो पहले मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने 26 रन प्लस 1 विकेट लिया था, बाकी रिसेंट फॉर्म बॉलिंग नहीं कराया, लेकिन कल जो मैचेस हुआ था बॉलिंग कराई थी,
बाकी आपको जॉर्जिया पॉलिमर से 33 रन एंड उसके बाद एमेलिया कैर 7 रन प्लस 2 विकेट निकाल कर दिलाई है, 9 रन प्लस 3 विकेट, 29 रन प्लस 4 विकेट निकाल कर दिलाए, यानी इनका जो बॉलिंग है तगड़ा है, हर एक मैच में 2 से 3 विकेट 4 विकेट रहता है। सोफिया डिमांड की बात करें, अभी इनका रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, 12-19 रन, बाकी बॉलिंग कराती है विकेट नहीं मिल पाता है। एंड ब्रुक हॉलिडे की बात करें तो ये भी बॉलिंग कराती है एक मैच में, बाकी 18 रन 22 रन का परफॉर्मेंस हुआ है। मैंडी ग्रीन भी अच्छे खासे बैटिंग कर लेती है, एंड उसके बाद ग्रेस की बात करें तो 20 रन 5 रन, एंड उसके बाद रोशन मेयर की बात करें तो पिछले मैच में 2 रन प्लस 1 विकेट, बाकी 2 विकेट 4 विकेट निकाले हुए हैं। एंड उसके बाद ताओ की बात करें, पिछले मैच में 6 रन प्लस 1 विकेट एंड 1 विकेट। अब अगर अगले नंबर पर देखा जाए तो ईडन क्रोसेन, जो आपको स्पिन गेंदबाज में 3 विकेट 2 विकेट हर एक मैच में रहता है, अब आपको ध्यान से दिखा। 11 नंबर की बात करें तो जॉन्स, तो इनको ज्यादा बॉलिंग नहीं मिलता है, मिलता तो 1 ओवर 2 ओवर इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बाकी आपको जो मेन गेंदबाज होने वाला है तो इसमें आपको ध्यान से देखिएगा, पहले नंबर पर एमेलिया कैर 4 ओवर बॉलिंग कराएंगे, एंड सोफिया डिवाइन हो सकता है 2 ओवर बॉलिंग कराए, एंड उसके बाद इसमें ताहू एंड ईडन क्रेसेन एंड मेयर जो आपको 4 ओवर बॉलिंग कराते आएंगे, यही आपका रिसेंट फॉर्म होगा। बाकी अगर आज का इसमें देखा जाए तो कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है खिलाड़ी, किन खिलाड़ी को अपने टीम में रखना है, तो सबसे पहले नंबर की बात करें तो मैंने अब मैं ग्रीन को ट्राई करके रखा है, जो आज मैं यही टीम ट्राई करूंगा, बाकी टी ब्रिस को ले रखा है एंड लौरा ओल्डफील्ड को, एंड उसके बाद ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर मैंने 4 ले रखा है, जो इसमें 3 ले रखा है अच्छे फॉर्म करके दिलाएंगे, पहला एमेलिया कैर एंड उसके बाद मेरिजान कैप सोफिया डिवाइन को, चाहे तो आप इनको अपने टीम से ड्रॉप करके जा सकते हैं। बाकी बॉलर में बात करें तो बॉलर में 5 जो आर मेयर एंड खाका एंड उसके बाद ताऊ एंड ई अक्रोसेन बाकी एन मलब्बा को ट्राई करके जा रहा है। अगर इसमें कोई भी चेंजेज होता है तो सबसे पहले आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुआ है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।